वहीं प्रदेश में मोहल्ला कमेटी का गठन करेगी कांग्रेस। कमेटी में हर 40 घर पर एक प्रभारी कार्यकर्ता नियुक्त होगा। वार्ड पंचायत बूथ कमेटी होंगी प्राथमिक इकाई, स्थानीय समस्याओं को उठाने का काम करेगी ये कमेटी। जमीनी स्तर पर कांग्रेस की विचारधारा से लोगों का जोड़ने का प्रयास। मध्य प्रदेश में संगठन की मजबूती पर कांग्रेस का फोकस। 21 और 22 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होगी। तो कांग्रेस की विचारधारा से लोगों को जोड़ने का प्रयास जो है कांग्रेस करेगी। तो स्थानीय समस्याओं को उठाने का काम कांग्रेस जो है वो करेगी। तो 21-22 नवंबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और प्रदेश में मोहल्ला कमेटी का गठन करेगी कांग्रेस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक, प्रदेश में मोहल्ला कमेटी का गठन जो है वो कांग्रेस करेगी और इस कमेटी में बात करें तो कमेटी में हर 40 घर पर एक प्रभारी कार्यकर्ता नियुक्त होगा, और क्या कुछ इस पर जानकारी विवेक? बिल्कुल कविता, जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो प्रभारी है वह बनाए हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी अब मोहल्ला जो कमेटी है वह बनाने वाली है। 21 और 22 नवंबर की यदि बात करें तो दो दिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो कार्य समिति की जो बैठक है वो होगी। इस बैठक की यदि बात करें तो इस बैठक पर जीतू पटवारी की जो नई टीम है, 177 लोगों की जो टीम बनाई गई है कविता, ये सभी पदाधिकारी पहली बार बैठक पर मौजूद रहेंगे, जहां पर कांग्रेस को किस प्रकार से जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए, किस प्रकार से काम किया जाए। साथ ही यदि आम लोगों की यदि बात करें तो आम लोगों तक कांग्रेस की पहुंच किस प्रकार से हो, ये तमाम पेट बनाने के लिए, तमाम विषयों में चर्चा के लिए जो जीतू पटवारी की टीम के जो तमाम जो सदस्य हैं प्रदेश कार्य समिति के, वे सभी बैठक पर मौजूद रहेंगे जहां तमाम विषयों में चर्चा की जाएगी। मगर मोहल्ला कमेटी की यदि बात करें तो मोहल्ला कमेटी बनाने को लेकर भी कांग्रेस ने विचार किया है कि करीब 40 घर को मिला के एक मोहल्ला कमेटी बनाई जाएगी, एक अध्यक्ष और एक प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही बाट की बात करें, बूथ की बात करें तो दोनों ही जगहों पर अब कांग्रेस पार्टी काम करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो 2023 और 24 के चुनाव में जिस प्रकार से बूथ के दम पर बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल की है, तो कांग्रेस पार्टी भी अब जो निचली जो इकाई है, खासतौर पर बाट की बात करें या मोहल्ला की बात करें या बाट की बात करें, तो ये निचली इकाई को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, कांग्रेस की विचारधारा से किस प्रकार से लोगों को जोड़ा जाए, ये तमाम महत्वपूर्ण ऐसे विषय हैं जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी काम करती हुई दिखाई दे रही है। और जब 21 और 22 नवंबर को जब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जब बैठक होगी तो ये तमाम जो छोटे छोटे मुद्दे हैं ये महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी, और संभावना है कि अब कांग्रेस पार्टी जो जमीन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, बाट के मुद्दे की बात करें या मोहल्लों की बात करें या बूथ की बात करें, ये जो छोटे छोटे मुद्दे रहते हैं उन मुद्दों को उठाने का जो काम है वह कांग्रेस पार्टी करते हुए दिखाई देगी। हालांकि दो दिवसीय बैठक है और दो दिवसीय बैठक की यदि बात करें तो 3 साल के जो रोडमैप है उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी विचार करती हुई दिखाई देगी, किस प्रकार कांग्रेस पार्टी को काम करना है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 3 महीने का जो टारगेट है वह कार्य समिति के तमाम जो सदस्य हैं उनको कहीं ना कहीं देंगे, उसके बाद एक बार फिर समीक्षा बैठक कांग्रेस की होती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल विवेक, यदि देखा जाए तो मोहल्ला कमेटी के जरिए जो कांग्रेस है वो अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल कविता, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव में करारी हार कांग्रेस पार्टी को मिली है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब निचली इकाई यानी सबसे जो छोटी इकाई है उसको मजबूत करने पर लगातार रणनीति बना रही है और अब काम करते भी दिखाई देगी। क्योंकि मोहल्ला कमेटी की बात करें या बूथ की बात करें या मंडलम की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ये सबसे छोटी इकाई है। इन छोटी इकाई पर कांग्रेस ने कभी इसके पहले काम नहीं किया है, मगर जिस प्रकार से चुनाव में करारी मिली है उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ये तमाम जो छोटी इकाइयां हैं इन पर काम करना शुरू करने वाली है, जिसके लिए जो प्रभारी है वह भी नियुक्त की जाएंगे, साथ ही तमाम जो दायित्व है कार्यकर्ताओं को वो भी दिए जाएंगे। यानी कांग्रेस पार्टी सबसे पहले अपनी जो छोटी इकाई है उनको मजबूत करने का काम करेगी, उसके बाद ही तहसील और जिला और संभाग स्तर पर जो काम है वह किए जाएंगे। हालांकि
जो जीतू पटवारी के टीम के जो नए सदस्य हैं उनको कहीं ना कहीं एक जवाबदारी दी जाएगी कि किस प्रकार से कांग्रेस की विचारधारा को जमीनी स्तर तक ले जाया जाए, साथ ही जो लोगों के छोटे छोटे जो मुद्दे रहते हैं वो किस प्रकार से उन मुद्दों को उठाया जाए, ये तमाम विषयों को लेकर जो 2 दिवसीय कांग्रेस की बैठक है वह देखने को मिलेगी। मगर मोहल्ला की यदि बात करें तो कांग्रेस की मोहल्ला कमेटी जो है वह बीजेपी की तर्ज पर दिखाई दे रही है कविता, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमेशा छोटी इकाई पर सबसे ज्यादा काम करती है और इसी छोटी इकाई के जरिए बीजेपी पार्टी मध्य प्रदेश में करीब 20 सालों से राज करती हुई दिखाई दे रही है। और अब कांग्रेस का नया नेतृत्व यानी जोशीला नेतृत्व जीतू पटवारी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं छोटी इकाई को अब कांग्रेस पार्टी मजबूत करने की कोशिश पर लगी हुई है। जी बिल्कुल विवेक, आपने कहा कि जो बीजेपी है बीजेपी की तर्ज पर जो कांग्रेस अब काम कर रही है, इसको लेकर मोहल्ला कमेटी को लेकर बीजेपी की ओर से कोई बयान अभी तक विवेक? बिल्कुल, यदि बीजेपी की बात करें तो अभी मोहल्ला कांग्रेस की कमेटी को लेकर अभी किसी प्रकार का बयान नहीं आया है। मगर इसके पहले जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जो निचली जो इकाई है उसको मजबूत करने के लिए तमाम प्रयास भी किए थे, तमाम प्रयोग किए थे, तो बीजेपी का उस दौरान भी कहना था कि बीजेपी एक कैडर बेस पार्टी और बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। क्योंकि बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बड़े लंबे समय से करीब 20 सालों से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार होने के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी का युवा नेतृत्व यानी जीतू पटवारी अब निचले स्तर से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहता है। क्योंकि 2023 और 24 दोनों ही चुनाव की यदि बात करें तो जब चुनावी परिणाम आए थे 24 के, उस दौरान जीतू पटवारी ने कई बार अपने संगठन को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो निचले स्तर पर कमजोर है। हालांकि कांग्रेस में बड़े दिग्गज नेता हैं और इन्हीं दिग्गज नेताओं को एकजुट करने की जो कवायद है वह कांग्रेस पार्टी बीते कुछ महीनों से करती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही निचले स्तर पर किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिले, जिसके लिए जो नए प्रयोग है मोहल्ला कांग्रेस कमेटी की बात करें या बूथ की बिल्कुल विवेक, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी एक बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका विवेक बहुत ही धन्यवाद।